चलिए आज एक वन पॉट मील के अंडर मैं आपको वेजिटेबल पुलाव फटाफट कैसे बनाना है वो बनाते हैं। थोड़ा मैंने घी लिया, देसी घी, फिर थोड़े से बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग इसमें जाएगा, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल रही हूँ, मैं कटा हुआ प्याज डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा मैं ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। देखिए अब इसमें चॉप जिंजर और ग्रेटेड गार्लिक जाएगी, इसको अच्छे से थोड़ा सा इसके साथ सॉटे कर लेंगे प्याज के साथ। अब आइए इसमें फटाफट से दो छोटे टमाटर डाल दिए मैंने, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, इसको मिला लेंगे और थोड़ा सा टमाटर को गलने तक इसको हम रोस्ट सॉटे करते रहेंगे। तो देखिए ये मेरे पास वेजीज हैं, मैं मटर डालूंगी, ब्रोकली, ये कैरेट्स हैं और ये आलू, तो ये चार वेजिटेबल्स मैं डाल रही हूँ। ये मटर डाल दिए, ये आलू, ये कैरेट और ब्रोकली, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम मसाले में इसको सॉटे करेंगे। अभी इसको ढकना नहीं है, चावल नहीं डाले हैं, अभी एक मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही हिलाते हुए, टॉस करते हुए थोड़ा सा इसको हम मसाले में भूनेंगे वेजिटेबल्स को। ये देखिए ये मुझे सॉटे करते हुए लगभग एक डेढ़ मिनट हो गया वेजिटेबल्स को। अब इसमें मैं अपने धो के भिगोए हुए बासमती राइस डालूंगी इसमें, तो ये मैंने धोए हुए अपने राइस डाल रही हूँ। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है ताकि टूट ना जाए हमारे राइस। तो इसमें अब मैंने पानी डाल दिया है, तो पानी है जितना कटोरी चावल उतना कटोरी पानी। अब इसको मैं ढक विसल दे दूंगी, एक विसल पूरी फुल आंच पे होगी और इसको आधे मिनट के लिए सिमर करके बंद कर दूंगी। ये देखें, ये देखिए राइस कितने ही खिले खिले, ये पुलाव हमारा कितना खिला खिला, कितना ही बढ़िया बना है। कुकर में राइस ये बने इतने खिले खिले, तो अगर आप पानी की रेशियो ठीक रखेंगे और जैसे मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं इसको फॉलो करेंगे तो आपके राइस भी सेम ऐसे ही बनेंगे। आइए इसको सर्विंग डिश में डालते हैं। ये देखिए हमारे राइस पुलाव तैयार हैं, इसको आप विंटर्स में ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। तब तक के लिए ख्याल रखें, अगली रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूँगी।